तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि सेंटर ऑफ मास का है। इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है, टू चिल्ड्रन ए एंड बी ऑफ सेम मास इंक्लूडिंग देयर कैप्स, कैपिटल एम आर सिटिंग ऑन अ सी सो एच ऑन इन द फिगर। मतलब देखो ध्यान से, दोनों चिल्ड्रन का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम और उसका मास भी कैपिटल एम। इन दोनों ने एक एक कैप लगाई हुई है और ये मास कैप को लगाने के बाद है। ओके, उन्होंने बोला इनिशियली द बीम इज हॉरिजॉन्टल, दोनों बैठे हुए थे और एकदम सीसो है ये, तो बैलेंस था एकदम। आई वाज में अब हुआ क्या, एट वंस चाइल्ड बी थ्रोज अवे हिज कैप ऑफ मास n/25। ये जो चाइल्ड बी है इसने अपनी कैप को यहां से क्यू पॉइंट पे फेंक दिया और इस कैप का जो मास था वो कितना था, m/25 which falls at a point Q, mid point of the left half of the beam। मतलब ये जो Q point है, यहाँ पे हमारा mid point मान लो, ठीक है? तो इस left half का ये mid point है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं total length को L मान लूँ, तो ये इधर वाली length L/4 हो जाएगी। वैसे मैं ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ द बीम इज डिस्टॉर्ट, मतलब ये पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ गया है क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया ना। तो बैलेंस इट अगेन, व्हाट इज द मास एम रिक्वायर्ड टू पुट एट पॉइंट पी ऑन द राइट हाफ ऑफ द बीम। पी पॉइंट पे कितना मास रखें, स्मॉल एम की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ताकि बीम दोबारा बैलेंस हो जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास जहां पे था, क्या हमें सेंटर ऑफ मास दोबारा वहीं पे लाना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास इनिशियली एकदम मिड पॉइंट पे था, तो अभी दोबारा फिर हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे आ जाए जहां पे पहले था। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक ही लाइन पे चल रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है m1x1 + m2x2 m1 + m2। ये हमारे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? इस सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें कहीं पे भी ओरिजिन मानना होता है। ओरिजिन कहीं पे मानो, वो आपकी मर्जी। तो जैसे कि मैं अगर ओरिजिन मानूं, तो मैं ओरिजिन मानता हूं कि यहां पे ओरिजिन है मेरा, समझ में? अगर मेरा ओरिजिन यहां पे है, तो क्या इसका मतलब इधर वाली चीजें नेगेटिव हो गई और इधर वाली चीजें पॉजिटिव हो गई, है ना? चलो भाई देखते हैं एक बार। तो अगर मैं देखूं कि ओरिजिन, मेरा सेंटर मास ओरिजिन पे है, इसका मतलब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो इक्वल टू पहला मास, इसका मास मान लेते हैं। चलो सोचो, इस बंदे ने अपनी कैप को उतार के फेंक दिया, तो इसका मास था कैपिटल एम और उसमें से कैप का मास चला गया m/25। कितना मास बचा, m - m/25, हाँ या ना? और ध्यान से देखो, तो ये बंदा इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर बैठा है, l/2, लिखा जाएगा l/2 प्लस। अब ध्यान से देखो, तो ये स्मॉल एम मास है, ये स्मॉल एम मास का क्या बोलूंगा मैं इसको, स्मॉल एम मास मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ये l/4 पे रखा हुआ है, आया ना? इस ओरिजिन से l/4 पे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, l/4, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो ये जो इधर वाला मास है, यहाँ पे जो कैप पड़ी हुई है, ये भी इसको मैं एक और बार जोड़ूंगा, m/25 इसका मास है, लेकिन ये कितने पे रखी हुई है, -l/4 पे। और फिर प्लस, ये जो बंदा है, इसने बंदे ने अपनी कैप लगाई हुई है फिलहाल, है ना? मैं इसको मान लेता हूँ ये है कैपिटल एम, आया ना? और ये कितने पर रखा हुआ है, -l/2। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे करेंगे टोटल मास। टोटल मास कितना आएगा, इस बंदे का मास कितना है, m - m/25, फिर स्मॉल एम, फिर m/25 और फिर कैपिटल एम, ये सारे टोटल मास आ गए, ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई जीरो में करूंगा, तो ये ऑब्वियस है कि जीरो ही बन जाएगा। तो इधर इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या आएगा, 24 m/25 (l/2) + ml/4 -ml/100 -ml/2 = 0, आया ना? अब ध्यान से देखें, अगर मैं, मुझे दिख रहा है कि ml 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 सब में से कॉमन आ रहा है, तो ml सब में से कॉमन ले लूंगा मैं। अंदर क्या बचेगा, देखो 2 से ये गया 12 टाइम्स, तो 12/25 -1/4 -1/100 -1/2 = 0, यस और नो?
एक मिनट, एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि ये स्मॉल एम था, ये वाला स्मॉल एम था, तो ML कॉमन नहीं आएगा सब में से, सिर्फ L कॉमन आएगा यहाँ पे, सब जगह कैपिटल M, कैपिटल M एंड कैपिटल M, और ये है स्मॉल M, ठीक है। तो L अगर 0 हो गया उधर जाके तो 0 ही बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एम बाई फोर को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस एम बाई फोर, ये हो गया 12 कैपिटल एम बाई 25 माइनस एम बाई 100 और माइनस एम बाई 2। इधर एलसीएम अगर मैं लूँ तो एलसीएम मेरा मैं ऑलमोस्ट 100 मान लेता हूँ, 25 फोर जा और 12 फोर जा होता है 48 एम माइनस 50 इक्वल टू स्मॉल एम बाई 4, ये आया 25 टाइम्स आया ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 48 माइनस 1 इट इज 47, 47 माइनस 50 इट इज माइनस 3 कैपिटल एम बाई 25 स्मॉल एम, ठीक है ना। तो अगर मैं स्मॉल एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कितनी आती है बोलो एक बार फटाफट। स्मॉल एम की वैल्यू आती है इट इज माइनस 0.1 एंड देन 2 जा 0.12 कैपिटल एम, आर यू गेटिंग इट, ठीक है ना। ये जो स्मॉल एम आया हमारा वो कितना आया, वो आ गया हमारा 0.12 इनटू कैपिटल एम। माइनस को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन होगी, तो स्मॉल इसका मतलब हमें 0.12 कैपिटल एम यहाँ पे रखना पड़ेगा पी पॉइंट पे, तब जाके पूरा बैलेंस हो जाएगा। ओके,